इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी में आपके साथ सिमरन। इस वक्त की अपडेट की बात करें तो देश में संक्रमण की दर अब कम होती नजर आ रही है। भारत में पिछले 24 घंटे में 25,404 नए मामले सामने आए हैं और 339 की मौत हो गई। वहीं मध्य प्रदेश में फिर 7 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव केसों की संख्या 126 हो गई है और रिकवरी रेट 98.7% है। हैरानी की बात यह है कि 8 दिन में 90 केस सामने आए हैं। हाल ही में जबलपुर के आंकड़ों पर खुद मुख्यमंत्री चिंता जता चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर 17 सितंबर से मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान 3.0 संचालित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में सोमवार को कोरोना के 7 नए मरीज मिले हैं। रिकवरी रेट 98.7% है और प्रदेश में कल कोरोना के 76,422 टेस्ट हुए। इसमें भोपाल, धार में 2-2, इंदौर, जबलपुर में 1-1 संक्रमित मिले हैं। हैरानी की बात यह है कि 14 दिन बाद रायसेन में 1 पॉजिटिव मिला है। इस तरह प्रदेश में 8 दिनों 17 जिलों में 89 कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा जबलपुर में 38 मरीज। अभी प्रदेश में 126 एक्टिव केस हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल, इंदौर के बाद जबलपुर के आंकड़ों पर चिंता जताते हुए कहा था कि तीसरी लहर का खतरा भी टला नहीं। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और केरल में लगातार केस बढ़ रहे हैं, किसी से स्थिति छिपी नहीं है। मध्य प्रदेश में भी पिछले 2 सप्ताह में केस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हम सतर्क रहने की जरूरत है और वहीं त्योहार आने वाले हैं, ऐसे कार्यक्रम करें कि संक्रमण ना फैले। 17 माह में हमने कोरोना की 2 लहरों का सामना कर तकलीफ उठाई है, कई अपने हमें छोड़कर चले गए, खतरा अभी टला नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि जबलपुर में सामने आए पॉजिटिव प्रकरण चिंता का विषय है, हमें निश्चिंत नहीं होना है और अपनी जागरूकता से तीसरी लहर को रोकना है। कई पर्व त्योहार भी आने वाले हैं, त्योहारों पर हम इस तरह कार्यक्रम करें कि संक्रमण न फैले। प्रत्येक जिले में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जाएं। जिला स्तरीय, विकास खंड स्तरीय, ग्राम स्तरीय और वार्ड स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य जन जागरूकता बढ़ाने की योजना पर मिलकर कार्य करें। तो यह था इस वक्त का अपडेट, जैसा कि आपने जाना है। छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।